हमें हमेशा हर साल आमंत्रित करते गणपति बापा का आशीर्वाद मिलता बहुत खुशी थैंक यू सर सर कैसा लगा यहाँ पर बहुत अच्छा अरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ही नई तरह की ढोल की बजाने का तरीका परफॉर्मेंस मैंने देखी आनंद आ गया बहुत बढ़िया शानदार बहुत यादें बहुत यादें अब इतने वर्षों से यहाँ पर महाराष्ट्र में है बहुत यादें स्पेशल प्लान बता नहीं सकते जी आपको थैंक यू सो मच कायनात सबसे पहले तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है गणपति के पंडाल और ढोल ताशे यहाँ पर बज रहे हैं क्या कहना चाहिए यहाँ तो पूरा ऐसा लग रहा है कि बस पूछो मत मुझे लगता था दशहरा दिवाली पर ही इतना बड़ा माहौल देखने को मिलता है लेकिन गणेश चतुर्थी मेरी पहली है बॉम्बे में और इतनी लार्ज वे में होगी मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे ढोल बज रहे हैं कुछ और इतना जश्न का माहौल है और इतना खूबसूरत वे में इन्होंने डेकोरेट किया है पूरे मंडप को और गणपति जी को सजाया गया है उनकी सेवा कर रहे हैं और मैं महापूजा में उपस्थित हूँ मेरी खुशनसीबी है बहुत और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम्स रखे रहने चाहिए क्योंकि आप अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं आपको कल्चरल वैल्यू सिखाए जाते हैं आप उसको अच्छे से भगवान के आगे पूजा करते हैं कि सबके साथ खुशियां बांटते हैं और लोगों को आना जाना लगा रहता है मोदक बनते हैं तो त्यौहार का माहौल है और गणपति मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इतना लार्ज होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गणपति को जो है मिठाई काफ़ी पसंद होती है आपको कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद मुझे तो वाइट रसगुल्ले पसंद है मुझे मीठा बहुत पसंद है और यहाँ तो आज मोदक खाऊंगी मोदक भी पसंद है और गणपति जी को तो मैं राखी बांधती हूँ रक्षाबंधन पे तो अपने एक तरीके से भाई के साथ सेलिब्रेट करने आई हूँ और अशोक धमंकर जी ने इनवाइट किया है उनका इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने रखा है महापूजा मैंने ऐसी नहीं देखी थी इतनी खूबसूरत होगी तो अब मालूम पड़ा है और इतना माहौल इस टाइम जश्न का है अभी लग रहा है कि फाइनली गणपति जी पधार गए हैं कायनात ने कोई विश मांगी है आज अपने भाई के पास मैं तो उनसे बस ये बोलती हूँ जितने मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती हूँ मैं अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती हूँ और बड़े बुज़ुर्गों का बहुत मान करती हूँ मैं ये चाहती हूँ वो लोग सब खुश रहें कोई ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग महिला हो या कोई कैंसर पेशेंट्स हैं या ओल्ड एज होम है मैं वहाँ जाके ज़्यादातर फेस्टिवल्स मनाती हूँ यहाँ तक कि अपना बर्थडे भी मैं ओल्ड एज होम में ही सेलिब्रेट करती हूँ और मैं उन्हीं के लिए दुआएँ मांगती हूँ मुझे लगता है वो खुश होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अच्छा फिल्मों को लेकर कुछ मांगा भगवान से देखो मैं मन्नत मांगी थी कि पिक्चर में कुछ अच्छा हो जाए तो ग्रैंड मस्ती हो गई 100 करोड़ का बिजनेस हो गया अक्षय कुमार के साथ गाना भी कर लिया खट्टा मीठा में अभी मलयालम फिल्म में मोहनलाल के साथ भी काम कर लिया है और राम गोपाल वर्मा के साथ एक तेलुगु फिल्म आ रही है और एक हिंदी फिल्म आ रही है साइकोटिक थ्रिलर तो दुआ जो मांगी थी कबूल तो हो रही है एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ तो इतना ही भी मेरे लिए काफ़ी है सहारनपुर जैसे छोटे शहर से निकल के मैंने इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी तो मैं खुश हूँ जो भी चल रहा है भगवान की दुआ है ऊपर वाले का साथ है मैं आप सब व्यूअर्स को गणपति के इस पावन पर्व पे इस महोत्सव में गणपति बप्पा मोरिया कहना पसंद करूंगी गणपति बप्पा मोरिया सबसे पहले तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया है क्या कहना चाहिए सबसे पहले तो कहूँगा गणपति बप्पा मोरिया जी सर गणपति बप्पा मोरिया उनकी वजह से आज सारी खुशियाँ हैं तुम्हारा चेहरा भी खिला हुआ है मेरा चेहरा भी खिला हुआ मुझे खुशी है मैं यहाँ पहुँचा अशोक जी ने दावत दी थी तो मुझे अच्छा लगा और ऊपर से इतना खूबसूरत ढोल सुनने को मिला वो भी बहुत अच्छा था और गणपति जी के बिना महाराष्ट्र में कहाँ चैन है तो हर साल आते हैं लोग बहुत प्यार से सजाते हैं उनको अपने पास रखते हैं बच्चों की तरह उन्हें सजाया जाता है और मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जब उनकी विदाई होती है तो लोग रो पड़ते हैं मतलब 2-4 दिन जितने दिन भी लोग अपने हिसाब से रखते हैं इतना उनमें मगन हो जाते हैं कि जब वो जाते हैं विदाई होती है तो बराबर ऐसा लगता है कि घर का कोई बंदा दूर जा रहा है तो इस तरह का रिश्ता है गणपति जी का और यहाँ के लोगों का और ये प्यार बना रहे उनका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे यही मेरी कामना है जैसे कि आपने कहा कि हर साल गणपति बापा आते हैं बचपन की मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें गणेशोत्सव यही है जब घर में रखा जाता है तो हम भी इसी तरह बच्चों की तरह उन्हें जो हमें ऑर्डर करती है मैडम वो हम पूरा करते हैं और जब नहीं रखाते तो दोस्तों के यहाँ चला जाता हूँ महाराष्ट्र में गणपति जी की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं दिल्ली में बहुत से लोग मनाते हैं हैदराबाद में जाता हूँ
वहाँ बहुत लोग मानते हैं, इन दिनों को रखते हैं अपने अपने घरों में। तो ये तो सबके अंदर है, प्रभु हैं वो, सब लोग पसंद करते हैं उनको, और महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, लोगों के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, उनको लेके एक आस्था पैदा होती है, लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं जब उनका मन अपने कामों से हट के भगवान की तरफ जाता है, तो एक नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता लोगों का और भगवान का हमेशा बना रहे। गणपति बप्पा की जो है स्पेशल बहुत, मतलब मिठाई बहुत पसंद है गणपति बप्पा को, तो आपकी ऐसी कोई मिठाई जो आपको बहुत पसंद है? नहीं, मिठाई मैं थोड़ी कम खाता हूँ, लेकिन मीठा एक सबसे उत्तम माना जाता है, जब भी किसी को दिया जाता है भगवान के चरणों में जब डाला जाता है तो मीठा सबसे बड़ा होता है। लेकिन पिछले कई सालों से मिठाई को लेके हमारे अंदर बहुत दुविधा रहती है, बहुत परेशानी रहती है कि मिठाई जिस हालात में जिस तरीके से बन रही है वो बड़ा ही दुख वाली बात है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार की नज़र उस तरफ भी जाए, क्योंकि मिठाई का रिश्ता जो है हम लोगों के साथ बहुत ही भाई बहन जैसा, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो उसमें मिठाई दी जाती है। तो मैं चाहूँगा कि वो जो डिपार्टमेंट है उस पर भी थोड़ा सरकार ध्यान दे, ताकि गलत लोग जो इस तरह की मिठाइयाँ बना रहे हो ना बनाए, और ये मिठास जो है, सही मिठाई की मिठास जो है भगवान तक पहुँचे, ये इसकी मुझे जब ऐसा होगा तो बहुत खुशी रहेगी। गणपति बप्पा मोरे। बजाने वाला एक्शन हो रहे हैं। सुने क्या पहले